वेरी गुड आफ्टरनून, माई नेम इज़ डॉक्टर सिमरन फ्रॉम DNPR UK नर्सिंग होम। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सर्वाइकोजेनिक हेडेक, या जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक या हेडेक और सिर दर्द जिनका कारण सर्वाइकल से लिंक्ड होता है, या फिर जो सर्वाइकल पेन मतलब कि गर्दन के सर्वाइकल पेन की वजह से होते हैं उनके बारे में। जनरली किसी को भी सिर दर्द होता है तो हम कहते हैं आपका BP डाउन है, अप है, या फिर आपको माइग्रेन हो सकता है, या आपको कोई और दिक्कत हो सकती है। बट हम बहुत कम लोग जानते हैं कि सर्वाइकल की वजह से भी सिर दर्द रहता है, और बेसिकली हमारे जो पीछे वाला एरिया है सिर का, यहाँ रहता है, साइड में रहता है, आँख के ऊपर आता है वो सिर दर्द, कभी एक साइड होता है और कभी पीछे को होता है। और ये मतलब ये सिर दर्द होता है बिकॉज़ जो हमारी गर्दन की जो कुछ नसें हैं वो हमारे ब्रेन से और हेड से रिलेटेड होती हैं, तो इसकी वजह से उनके दबने की दबाव की वजह से हमें ये सिर दर्द हो सकता है। और दूसरा रीज़न, अगर हमारे गर्दन के मांसपेशियाँ अकड़ाव है, उसके मसल्स में स्टिफनेस है, स्पेशली हमारे जो गर्दन में बिल्कुल स्टार्टिंग में सब ऑसिपिटल मसल है वो टाइट है, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्टिन्यूस सिर दर्द रह सकता है। तो अगर इस सिर दर्द को आप रिमूव करना चाहते हैं और अगर आप में भी ये सिम्टम्स आते हैं तो आप फिजियोथेरेपी का हमारे DNPR में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।